वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, मेरी हमेशा ही कोशिश हुंदी है कि मैं थोनों परमात्मा दे बारे दसी जावां, परमात्मा बारे गल्ला करी जावां। तुसी भी जानते हो कि परमात्मा तो बिना साड़ी इस दुनिया विच कोई भी वजूदगी नहीं है। जो कुछ भी है इस दुनिया विच असी आए हाँ, सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा दे करके ही आए हाँ। ये जामा सानू परमात्मा ने तां ही दिता है कि असी दुनिया विच रहिंदे हुए अपने कम्मां कारां दे नाल नाल अपने जीवन नू सफल बनाउण लई उस परमात्मा दा चिंतन करिए, उस परमात्मा दा नाम सिमरिए। तुसी जानते हो कि दुनिया बहुत ही दुखी ते परेशान है। तुसी किसे नू भी फोल के देख लो, कोई अमीर होवे जां गरीब होवे, सब अंदरों अंदरी किसे ना किसे दुख तो परेशान हुंदे हन। कोई घर ही ऐसा भागा वाला होवेगा जिथे दुखी ते कोई परेशान ना होवे। मन दे रोग शरीर दे रोगां तो भी अजकल वध गए हन। इन्हां सब दा इक्को इक इलाज है कि सानू नाम दी, परमात्मा दी कमाई करनी चाहीदी है। बाकी सानू कदे भी चिंता नहीं करनी चाहीदी। चिंता करन नाल कदे किसे नू मदद मिली ते ना ही मिल सकती है। ये तो समझ के साडा जोड़ा चिंता करना अगला दिन हुंदा है ना साडा, वो होर भी खराब निकलता है। अगर असी रात नू चंगी तरह सो ना सकीए, फिर असी सवेर नू चंगी तरह उठ नहीं सकते। ये साडे मनोबल अते संकटां दा सामना करन दी साडी शक्ति नू होर भी कमजोर चिंता कर दिंदी है। इसलिए चिंता ना करिया करो, उस परमात्मा नू चेते करिया करो। तुसी जानते हो कि चिंता चिता समान हुंदी है, जो कि इंसान नू अंदरों अंदर ही घुण मुंग खांदी रहिंदी है। बाकी जो इस दुनिया विच आया, ये दुनिया ये देश साडा नहीं है, ये साडा एक पराया देश है जिहदे विच असी भटकदे फिरदे हाँ। जिन्हां धंदियां विच दिन रात असी भटकदे तड़फदे, असल विच ये साडे धंदे नहीं है। साडा असली धंदा वो है जिस वास्ते परमात्मा ने इंसान का जामा सानू दिता। मैं फिर कह रही हाँ कि तुसी, मैं ये नहीं कह रही कि तुसी दिन रात परमात्मा नू ही बस जपी जाओ। परमात्मा नू जपो मूँह दे विच, तुसी काम करदे, अपने कार विहार करदे, अपने कारोबार विच, अपनी जॉब दे विच, अपने किसी भी काम दे विच, बस उसनू अपने अंदर बसाई रखो। अगर कोई इंसान का जामा हासिल करके किसी गुरमुख की संगत नहीं करता, सोबत नहीं करता, गुरमुखां दे कहण दे मुताबक ख्याल नू अंदर शब्द ते नाम नाल जोड़न की कोशिश नहीं करता, उस इंसान का इस दुनिया विच आउण दा कोई भी फायदा नहीं है। परमात्मा ने इंसान का जामा केवल अपनी भगती अते प्यार वास्ते बख्शिया। अगर कोई इंसान का जामा हासिल करके उस परमात्मा की भगती नहीं करता, मालक की खोज नहीं करता, उसका इस देह विच आना व्यर्थ है। परमात्मा ने आप भी गुरबाणी विच, तुसी बहुत सोहना पढ़ते हो, तरीका आ रहा है जो परमात्मा दे नाल नहीं जुड़ते, जो परमात्मा का नाम नहीं जपते। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। जिस मकसद वास्ते सानू उस परमात्मा ने इंसान का जामा दिता है, सवासा का जो साढ़े सवास या खत्म हो जाने हैं, उस तो पहला सानू इस वाहिगुरु की प्रशंसा करनी चाहिए है, उसनू ध्याना चाहिए है। इसलिए जिन्ना भी हो सको हर एक का चंगा करन की कोशिश करना, किसी का बुरा नहीं करना। कोई तुसी इस तरह के वहमां भरमां विच नहीं पैना कि इन्ने दिन करना भगती आ कुछ मिल जाएगा, इन्ने दिन करना इस तरह मिल जाए। ये सिर्फ थोड़े चंगे कर्म अगर तुसी करोगे, जां थोड़े पूर्वले कर्म चंगे हन, तो थानू सब कुछ मिलेगा।
अगर तुसी डेली सवेरे जल्दी उठते हो, उस परमात्मा नू थोड़ी देर भी याद कर लेंदे हो ते किसी का बुरा नहीं भालदे, सरबत का भला मंगते हो, तो थोड़ी जिंदगी विच कदे भी दुख नहीं आने। परमात्मा अगर थोड़े पूर्वले कर्म बुरे भी किते हो तां भी माफ कर दिंदा है, अगर तुसी इस जन्म विच चंगे काम करन लग जाओ, क्योंकि इस जन्म तो बाद थानू कुछ नहीं पता। थानू ये शरीर द्वारा जी मिलना है कि नहीं मिलना, 84 लाख दे गेड़ विच पैना, उस दे नाल तो चंगा है कि इस जामे विच इस देह विच आ के असी उस परमात्मा नू सिमरीए। धन नू उन्ना कई तरजीह दिया करो जिन्नी कु लोड़ है, क्योंकि धन कोई भी नाल लैके नहीं जाता, भावें राजे तो राजा भी होवे, भिखारी तो भिखारी भी होवे, सब खाली हाथ आए खाली हाथ जाते। इसलिए ज़्यादा तो ज़्यादा परमात्मा नू ही तरजीह दिया करो, उसनू जिन्ना भी हो सके ध्याया करो। ये नहीं किसी ने देख के भी है ना भी उन्हों को बहुत पैसा है, अगर वो चंगे काम करते हैं तुसी भी उन्हां वांग रीस करो, उन्हां वांग मेहनत करो। तो मैं तो यही थानू दसदी हाँ कि तुसी इस देह विच आए, इस जामे विच आए हाँ, उस परमात्मा नू जिन्ना भी हो सके ध्याया करो। कई वेले इस तरह हुंदा परमात्मा इम्तिहान बहुत लैंदा है, वो थानू देखना चाहुंदा परखना चाहुंदा हुंदा है तुसी किन्ने क उन्हां दे कदमां ते चलते हो, कुछ डोलते तो नहीं। इसलिए मैं आस करती हाँ कि थानू ये मेरे विचार चंगे लगे होंगे, जे चंगे लगे हो तो वीडियो में शेयर करना, चैनल में सबसक्राइब करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।